लादकाना भी ऑपरेशन हो रहा है, इसकी आंत में आंत फंस गई है, हो जाएगा, चिंता मत कर, ठीक है। कितनी देर ऑपरेशन की बात है, 2 घंटे लगेंगे ऑपरेशन, और डॉक्टर ने बोला सीरियस है, 2 बजे पहले पहले ऑपरेशन, सीरियस है बताओ यार, सर्जन आएंगे 4, हो जाएगा बोलो, हो जाएगा, चिंता मत करो, सब लोग दुआ करेंगे ना, ठीक हो जाएगा। गैर ओए यार, अचानक कैसे हो गया यार एकदम ना, अल्ट्रासाउंड वाले ने भी नहीं बताया कि है क्या नहीं है, वहाँ पे बैठे 15-20 मिनट में, 1 घंटा लगा हमें वहाँ से घूम के वहाँ जाने में, 15-20 मिनट में। तो इसका पहले एक्स रे में कुछ नहीं आया, फिर अल्ट्रासाउंड में उन्होंने हमें बताया नहीं क्या है नहीं क्या। बाहर से आ रहे सर्जन, सर्जन बाहर से आएंगे, 4-5 सब कुछ ठीक था, सब कुछ मतलब ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मतलब ये बीच में तो 2-3 बार ये नहीं करा था ऐसे ऐसे, हम बोल रहे थे डर रहा है, डर, मैं कह रही थी ना ये डर रहा था, डरता नहीं था, इसको मरोड़ आती थी मैं, पता नहीं था। अब और यार हॉस्पिटल आके पता लगेगा ना यार हमारी क्या गलती है, बार रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बिल्कुल, कुछ नहीं खा रहा पी रहा, बीच बीच में दर्द होता है, रोता है, तड़पता है। मैंने पूछा डॉक्टर से, घबराने वाली बात है। कृतिका मलिक के बेटी जेड का ऑपरेशन होने की वजह से वो आईसीयू में भर्ती है। अरमान मलिक ने बताया फिलहाल वो ठीक है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो दिखाती है। पूछा ना, पहला बच्चा नहीं है, डॉक्टर को फोन कर ले, उनको राजू मामा का फोन आ गया, बात कर ले, बता दे, वीडियो कॉल है। हाँ मामा जी, क्या हो गया? ज़ैद की तबीयत खराब है, उसका ऑपरेशन हो गया। सुन है दो जहाँ के मालिक, तुम क्या कर रहे हो किसी को मत बताओ, क्या बात है, बिल्कुल डॉक्टर आएगा तब जाके ऑपरेट करेंगे, इसको दर्द हो रहा है इसको, मैं बता रहा हूँ।